मधेपुरा श्रीपुर ढी टोला नंबर 11 के चंद्रिका कुमारी शिक्षिका नियोजित विद्यालय बालम गड़िया में पदस्थ शिक्षिका के हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार न करने के विरोध में मधेपुरा जिला भीम आर्मी समाहरणालय गेट पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यहां पर धरना प्रदर्शन में अपनी मांगों को रखते हुए भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मुन्ना कुमार पासवान ने कहा कि आजादी के कई दशक बाद भी दलित शोषित को न्याय नहीं मिलता, सिर्फ प्रताड़ना मिलती है, चाहे वो जाति भेदभाव हो या फिर अमीर गरीब की खाई। साथ ही भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष अबूजर खान ने कहा कि पुलिस प्रशासन की रसूखदार के सामने पंगू बनी बैठी रहती है, जिसके कारण जिले में अपराध का बोलबाला है। आए दिन हत्या लूट जैसी घटनाएं होती हैं, वहीं पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। बीते दिनों चंद्रिका कुमारी प्रधान शिक्षिका विद्यालय बालम गड़िया अपने विद्यालय के जाने के क्रम में असामाजिक तत्वों के द्वारा उसे बाल पकड़कर पटक दिया था और नंगा कर विभिन्न तरीके से स्कॉर्पियो से कुचलकर निर्मम हत्या की गई थी। काफी कहने सुनने के बाद पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऐसे में भीम आर्मी ये मांग करती है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।